Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ. जरूरी नहीं है कि आप विमेन नहीं है, आप लड़की नहीं है तो इस वीडियो को ना देखे. आप अपने सिस्टर के लिए, अपने फ्रेंड के लिए या फिर अपने वाइफ के लिए इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, वीडियो को पूरा आप जरूर देखना. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. अभी भी हमारे देश में फीमेल हाइजीन को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उन पर कोई बोलना ही नहीं चाहता और जो लोग इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं उन पर उंगली उठाया जाता है. लेकिन मैं एक ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने चैनल के जरिए आप सबको वो सब कुछ शेयर करना है जो आप सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ये वीडियो थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है, सो इस वीडियो को आप सीरियसली ही देखिए. इस वीडियो का मजाक बिल्कुल भी ना बनाइए. और हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं जो पढ़ती हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इन्फॉर्मेशन मैं जानती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ. अगर आपकी कोई बेटर राय है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बता सकते हैं. क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम्ड. आजकल 90% औरतें यूरिन इन्फेक्शन का शिकार होती है. इसका मेन रीजन है हाइजीन. हमें ज्यादातर नॉलेज नहीं होती है प्रॉपर हाइजीन का. प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है. कई बार यूरिनेशन के वक्त जलन महसूस करना या फिर यूरिन के साथ ब्लड आना, ये सब यूरिन इन्फेक्शन की निशानी है. तो अब हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा. लेकिन इसको बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ. वजाइना इज अ बर्थ कैनल एंड उसके साइड में लेबिया मेजोरा एंड लेबिया मिनोरा होता है, जिसे हम मेडिकली वल्वा रीजन कहते हैं. आपको वल्वा रीजन को क्लीन करने की जरूरत है, वजाइना को क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गेन है. वजाइना में कुछ तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसे हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जो कि वजाइनल पीएच मेंटेन करता है एसिडिक. मतलब वजाइना का पीएच एसिडिक मेंटेन करता है, जिससे कि इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है, उस जगह पर इन्फेक्शन होते ही नहीं. पर हमें यह ध्यान रखना है कि हम वजाइना या वल्वल रीजन पर किसी भी तरीके का सोप, डीओ, परफ्यूम इस्तेमाल न करें, क्योंकि उस एरिया का पीएच लेवल अलग होता है और सोप्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे उसका पीएच अलग होता है, तो इससे इन्फेक्शन हो सकती है. हमारे वल्वल रीजन, हमारे इनर थाइज और हिप पोर्शन को क्लीन करने के लिए हमें इंटीमेट वॉश की जरूरत होती है, क्योंकि वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है. ये सोचकर अगर आप उन एरियाज पर सोप लगाएंगे तो अल्टीमेटली वजाइना को ही इरिटेशन होगी और इन्फेक्शन भी हो सकती है. इसीलिए आपको वल्वा रीजन पर इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना है, जिसका पीएच बैलेंस बिल्कुल मेंटेन्ड है. अब सवाल ये है कि हमें कौन सा इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करना है. आपको एक ऐसा इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करना है जिसमें कोई हार्श हार्मफुल केमिकल्स ना हो, सोप ना हो, SLS, SLES ना हो और 100% नेचुरल एक्टिव्स हो. इसीलिए मैं यूज करती हूँ एवरटीन नेचुरल इंटीमेट वॉश. एवरटीन के काफी सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे ये 100 ml का लिक्विड वॉश है जिसका प्राइस है 180 rupees. इसका जो कंसिस्टेंसी है वो सोप फॉर्म में, लिक्विड सोप फॉर्म में कंसिस्टेंसी है, बट इसका जो पीएच है वो सोप जैसा पीएच नहीं है, पीएच मेंटेन्ड है और ये आपके जो रीजन है, वल्वा रीजन है, उसको इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करता. नेक्स्ट एक दूसरा वेरिएंट है 150 ml का, ये है फोम वॉश जिसका प्राइस है 300 rupees. नाउ फोम वॉश क्यों है, क्योंकि फोम ज्यादातर एक्स्ट्रा माइल्ड होता है एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन के लिए. अगर आप बिगिनर है तो आप फोम वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड है. मॉम्स के लिए ये अलग से एक इंटीमेट वॉश है जिसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है विच इज विच हेजल, जो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अच्छा है. और इस मॉम वेरिएंट में और भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे नीम, एलोवेरा, सी बकथॉर्न, टी ट्री ऑयल. लास्टली टीनेजर्स के लिए एक अलग से इंटीमेट वॉश है जिसमें योगर्ट है. अब मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है कि वजाइना में लैक्टोबैसिलस होने की वजह से वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, वैसे ही योगर्ट में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है. इसीलिए टीनेज में भागा दौड़ी बहुत होती है, ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर गेम्स, तो इसी दौरान हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और रैशेस और इन्फेक्शन ज्यादातर होते हैं. इसीलिए जो लैक्टोबैसिलस है वो इन्फेक्शन को वल्वा रीजन में भी प्रिवेंट करता है. अब सवाल है कि आपको इंटीमेट वॉश कब इस्तेमाल करना है और कैसे.
जब शावर आप लेते हैं तब जैसे आप अपने बॉडी पर सोप या शावर जेल इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से आपको इंटीमेट वॉश को थोड़ा सा लेना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए और अपने इंटीमेट एरियाज पर अप्लाई कीजिए। जैसे मैंने कहा अपने वल्वा रीजन पर उसे अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा उसे 2-3 सेकंड के लिए वैसा ही छोड़ दीजिए एंड फिर नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इंटीमेट वॉश नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जो रीजन है वल्वा रीजन है वहां पर आप गर्म पानी लेकर एवरी डे आपको वॉश करना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल क्योंकि हम लोग सब वर्किंग लेडीज है और आजकल इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है तो एवरी डे आपको गर्म पानी से वो एरिया वॉश करना पड़ता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई इंटीमेट वॉशेस आर अ गुड ऑप्शन। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इन इंटीमेट वॉशेस के परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है, आप जरूर चेक कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए क्योंकि जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो हमें जरूर जानना चाहिए, किस तरीके से हमें कौन सी चीज कहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो हमें जरूर उसका एक नॉलेज होना जरूरी है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मैंने काफी सारे रिसर्च के बाद ही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये सारे फैक्ट्स, तो आप इस वीडियो का मजाक ना बनाइए, इसे क्रिटिसाइज बिल्कुल भी बुरी तरीके से ना कीजिए क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन हम सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कोई बात भी नहीं करना चाहता, बट वी रियली नीड टू स्पीक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।